नमस्कार दोस्तों, भारत में ऐसे कई प्राचीन मंदिर हैं जिनकी अपनी मान्यताएं हैं और अपना ही इतिहास है। यह प्राचीन मंदिर देश के साथ साथ विदेश के श्रद्धालुओं के लिए भी श्रद्धा व आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन मंदिरों से कुछ ऐसे तथ्य जुड़े हैं जो हर भक्त व श्रद्धालु को हैरान करते हैं। भारतीय मंदिरों में अक्सर देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं। यह मूर्तियाँ मुख्य रूप से पत्थर या धातु की बनी होती हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें भगवान गणेश की जो मूर्ति स्थापित है वह गोबर और मिट्टी से बनी हुई है। और हैरानी की बात यह है कि लोगों का मानना है कि यह मूर्ति 900 साल पुरानी है। गोबर गणेश मंदिर। भगवान गणेश का यह मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के महेश्वर में स्थित है। इस मंदिर में स्थापित भगवान गणेश की यह मूर्ति गोबर और मिट्टी से बनी हुई है। इसी कारण दक्षिण मुखी भगवान गणेश के इस मंदिर को गोबर गणेश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राचीन मंदिर में गणेश भगवान सिर पर मुकुट, गले में हार और अपने मनमोहक रूप में विराजमान हैं और भक्तों के दुख दर्द दूर कर उनकी मनोकामनाएँ पूरी करते हैं। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 250 साल पहले होलकर राज्य की महारानी अहल्याबाई होलकर ने करवाया था। मूर्ति में है पंच तत्वों का वास। मंदिर में स्थापित गोबर और मिट्टी से बनी भगवान गणेश की मूर्ति में पंच तत्वों का वास माना जाता है। मान्यता है कि गोबर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा मंदिर में भगवान गणेश के साथ ही उनकी पत्नियों रिद्धि और सिद्धि के दर्शन भी होते हैं। इस मंदिर में पिछले 12 सालों से अखंड ज्योति जल रही है। मंदिर का बाहरी हिस्सा है अंदरूनी हिस्से से भिन्न। इस प्राचीन गोबर गणेश मंदिर का बाहर का हिस्सा गुंबदनुमा है, जिसके कारण बाहर से यह मंदिर किसी मस्जिद जैसा लगता है, लेकिन इसके उल्ट मंदिर का अंदरूनी भाग श्री यंत्र जैसा दिखाई देता है। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की कोशिश की गई थी। भक्त बनाते हैं उल्टा स्वास्तिक चिन्ह। गोबर गणेश मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर में भक्त अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए उल्टा स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं। बाद में मनोकामना पूरी होने पर इस स्वास्तिक चिन्ह को सीधा करने की परंपरा है। देश विदेश से पहुंचते हैं श्रद्धालु। प्राचीन गोबर गणेश मंदिर में भगवान गोबर गणेश के दर्शन करने और मन्नतें मांगने के लिए देश विदेश से रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। खासकर गणेश उत्सव, नए साल और दीपावली को श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। मंदिर तक कैसे पहुंचे? मध्य प्रदेश का महेश्वर नगर नर्मदा नदी के किनारे बसा है। महेश्वर का नज़दीकी शहर इंदौर है, जो महेश्वर से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सो दोस्तों, यह थी गोबर गणेश मंदिर से जुड़ी जानकारी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।